इसके बाद हमारे प्रदेश की स्थायी समिति बैठकर निर्णय करेगी जो प्रदेश स्तर पर जिस प्रकार से इस आंदोलन को अंतिम रूप दिया जाना है। सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर, TNC अप्लाइड। प्रदेश नेतृत्व ने जिला प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन, साफ सुथरी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये आज तीसरा चरण है। पहले चरण के अंदर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए थे पूरे राजस्थान के अंदर हमारी समस्त उपशाखाओं द्वारा। द्वितीय चरण के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, जिला प्रमुख महोदय को ज्ञापन सौंपकर ये सात सूत्री मांगों को पूरा करने का के लिए आंदोलन किया गया है। आज ये तीसरा चरण है, पूरे राजस्थान में ये आज आंदोलन हो रहा है। इसके बाद हमारे प्रदेश की स्थायी समिति बैठकर निर्णय करेगी जो प्रदेश स्तर पर जिस प्रकार से इस आंदोलन को अंतिम रूप दिया जाना है, उस प्रकार से आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। अभी वर्तमान के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो 2004 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो जिस तरह का पैटर्न चल रहा है और इसका पैसा जो अन्य कामों में लग रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है कि भविष्य के अंदर इसको जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, नाम मात्र की पेंशन मिलेगी। इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, परिवार के भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करें, ऐसी मांग की जा रही है। भंवर सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। आज हमारी प्रदेश नेतृत्व के अनुसार मांगे हैं कि पूरे राजस्थान में जिले स्तर पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हमारे सात सूत्री मांग है जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम दिया जा रहा है और कलेक्टर साहब के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हमारी मांग है कि 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन वापस लागू की जाए, उनको NPS से हटाकर OPS लागू किया जाए, BLO को सभी ड्यूटी से मुक्त किया जाए, केवल शिक्षण कार्य में रखा जाए, और शिक्षकों को 2007 से 2009 तक जो वेतन विसंगति है, सामंत कमेटी की रिपोर्ट जो आज तक नहीं प्रकाशित हुई है, उसको लागू किया जाए। दिनांक 27/7/2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियम जो लागू किए गए हैं, उसमें संगठन द्वारा जो अभिमत दिया गया है उसको संशोधित करके लागू किया जाए। ये संगठन की प्रमुख मांगे हैं जो आज हम कलेक्टर साहब महोदय को देने जा रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा, जिला मंत्री, शिक्षक संघ राष्ट्रीय।